भारतीय वायुसेना के पीओके के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई कर बम गिराए थे। इसमें 350 आतंकी मारे जाने का दावा किया गया था। इस कार्रवाई के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में आतंकी मारे गए। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सेम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी से चर्चा करते हुए वक्त उन्होंने कहा कि उन्होंने वायुसेना 300 लोगों को मारा है तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझे और तथ्य दीजिए और इसे साबित कीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग वायुसेना के इस अभियान से जुड़े तथ्यों के बारे में जानने का हक रखते हैं। पित्रोदा ने कहा कि वायुसेना की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे अखबारों में पड़ी थी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा जानना चाहता हूँ। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमने सच में हमला किया, क्या हमने सच में 300 लोगों को मारा, मैं ये सब नहीं जानता। एक नागरिक के तौर पर मुझे ये जानने का हक है और यदि मैं पूछ रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस या इस तरफ हूँ। हमें तथ्य जानने चाहिए। यदि आप कहते हैं कि 300 लोग मारे गए तो मुझे वह जानना है। भारत के लोगों को ये जानना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।